जी आदि का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इस बीमारी में वो खाने की थैली में जो खाना रहता है, एसिड रहता है, पेप्सिन रहता है, एंजाइम्स रहते हैं, वो खाने की थैली से खाने की नली में आता है। खाने की नली मतलब ईसोफेगस, जो फूड पाइप भी बोलते हैं, तो उसमें आ जाता है। तो उसके कारण से छाती में जलन होना, पेट में जलन होना और कई बार एसिडिटी की शिकायत करना, ये सब प्रॉब्लम इसमें होता है। इसका होने का मुख्य वजह है खान पान का अनियमितता, सोने जागने में अनियमितता। खान पान में जैसे कई प्रकार के खान पान, जैसे मिर्ची मसाले वाले खाने, तेल वाले खाने और कई बार हैवी खाना, तो ये सब से जो रिफ्लक्स होता है बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त खा के तुरंत सो जाने में भी प्रॉब्लम होती है। खा कर तुरंत सो जाएंगे तो एसिड ऊपर की तरफ आता है, उस वजह से भी खाने की नली जैसे ईसोफेगस उसमें भी जलन होता है, उसमें सूजन आ जाती है और मरीज को एसिडिटी और छाती में जलन की तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए उपाय ये है कि अपने को तेल रहित तेल वाला मसाले वाला खाना कम से कम लेना चाहिए, खाना हल्का लेना चाहिए, स्पेशली रात में खाना और हल्का लेना चाहिए और खाने को जल्दी खा लेना चाहिए, जिससे कि खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रहे। तो इसे इस तरह से इससे बचा जा सकता है।